ये सब कहाँ है? जब तुमने ये वेटर बनकर अपनी हंसी उड़ाने की ठान ही ली है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये तमाशा पुष्पा आंटी और देविना मैम को भी दिखाया जाए, उन्हें भी तो एंटरटेनमेंट की जरूरत है ना। कहाँ कह रही हैं आप इराजी? बाढ़ में गई इराजी। तुम माँ का वचन देते हैं ना कि तुम ये लड़की का मुंह कभी नहीं देखोगे? वचन देते हैं। तुम्हारी ही लिबास में ये क्या कर रही हो तुम गुल्लो? इसने वादा किया और आपने मान लिया? कभी कभी मुझे सच में समझ नहीं आता कि सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है, आप या ये? एक नंबर का झूठा है आपका बेटा, उल्टे हाथ से झूठी कसम लेकर धोखा दिया है इसने आपको। और ये सारा झूठ क्यों कहा इसने पता है? ताकि ये तुम की तरह मेरे पीछे पीछे आ सके। कोई शर्म नहीं बची तुम्हारे अंदर अखिलेश? और पुष्पा आंटी, आप क्या कहा था उस दिन आपने मेरे पापा को कि मैंने और पापा ने मिलकर आपके भोले बेटे को फुसलाया है, उसकी सीधेपन का फायदा उठाया है? क्यों गलत फहमी पालती हैं आप? हाँ, अरे आपका बेटा कुछ सीधा साधा भोला भाला इंसान नहीं है, एक नंबर का लोफर है, लोफर। तभी तो मेरे आसपास चक्कर काटता रहता है। इरा जी, चुप हो जाए वरना हमरा हाथ उठ जाएगा। इतनी नफरत कब से करने लगी आप हमसे? कब जन्म लिया ये जहर ने आपके मन में? और अगर हमसे इतनी तकलीफ हो रही है तो ये हमने दी हुई साड़ी और ये गजरा काहे पहनी हो? कूड़े में फेंक दिया होता ना। तुम्हें क्या लगता है मैं खुशी से ये बाहियात सी साड़ी और ये भद्दा सा गजरा लगा कर आऊंगी? कभी कभी ना सच में बहुत भोले लगते हो तुम मुझे। ये सब मेरा बदला था अखिलेश, मेरे अंदर की आग थी, तोहफे की थाल में सजाकर सबके सामने तुमने मेरा पोस्टर दिया था ना। आज सबके सामने तुम्हारा यही तोहफा पहनकर मैं तुम्हारे इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगी।
निकल जाओ मेरे घर से। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैनेजर, इसे धक्के मार के निकालो यहां से। खबरदार, खबरदार, हमने पिटुआ को हाथ पे लगाया था। और तुम, आवाज नीचे पुष्पांडी। मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर आवाज उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये मत भूलिए कि आपको भी इस घर से धक्के मारकर निकाला जा सकता है। इरा जी, ये हमारी अम्मा है। ये क्या हो गया है आपको? देखो, मुझे तुम जैसे गवारों के मुंह लगने की आदत नहीं है, तो बेहतर होगा निकल जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहां से। ए! गवार औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई ईरा को हाथ लगा देखे? मैं वो भी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। मतलब चाचा, लेवा दो ना पप्पा। इन गांव के गवारों से आप तमीज की उम्मीद करते हो? अरे चुप हो जाइए। अम्मा का अपमान करके ना अच्छा नहीं किया आपने। या आपके प्रति हमारे दिल में जितना प्रेम, जितनी इज्जत थी ना, एक ही झटके में समाप्त हो गई है। नफरत करते हम आपसे। अब ये चेहरा देखकर भी हमका घिन आती है। तुम्हें क्या लगा था अखिलेश, ये अपने पापा का अपमान मैं चुपचाप सह लूंगी? मुझे भी इतना ही बुरा लगा था जब सबके सामने तुमने मेरे पापा का अपमान किया था। और नफरत क्या सिर्फ तुम करते हो? मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है अखिलेश। तुमसे दोस्ती करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम ना तो मेरे दोस्ती के लायक हो और ना ही मेरे प्यार के। चुप करो, चुप करो ईरा, वरना तुम्हारा मुंह नोच लेंगे हम। लानत है हम पे जो किसी रोज हम तुमका अपनी बेटी समझ बैठे थे। न जाने कौन सी पट्टी बंधी थी हमारी आंखों पर। कौन बात का घमंड है तुमका? हा? दो ही चार अक्सर पढ़ी लिखी हो इसलिए हमने गुल्लू की लायक ही निकाल रही हो तुम। का तुम लायक हो औकात है तुम्हारी हमारे पांडे परिवार की दुल्हन बनने की? देखना है, देखना है पांडे परिवार की दुल्हन कैसी होती है। 10 दिन, 10 दिन के अंदर तुमसे ज्यादा सुंदर, तुमसे ज्यादा सुशील, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से हमने गुल्लू का ब्याह नहीं किया ना, तो 11वें दिन तुम हमारा मरा मुंह देखोगी। आज से उल्टी गिनती शुरू करो ईरा। ऑल द बेस्ट पुष्पा आंटी। कम से कम इसी बहाने आपका बेटा मेरा पीछा करना तो छोड़ देगा। Thank you.
वाह बेटा वाह, मजा आ गया। क्या कस के तमाचा मारा है उस गवारन के मुंह पर। बेटा तूने मेरा बदला तो पूरा होने नहीं दिया, मगर कोई बात नहीं, तूने जो भी किया ने दिल खुश कर दिया हो। अखिलेश आज के बाद फिर कभी तंग नहीं करेगा पप्पा। मैं भी कमरे में जाती हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ जा जा बेटा जा, तू आराम कर जा। ओ मैनेजर इधर आओ इधर आओ, तेरा खाने पीने का बंदोबस्त करो, म्यूजिक म्यूजिक बजाओ, वगाड़ो वगाड़ो। बेटी की तरफ प्रेम करे हमीरा से, वो का अपने हाथों से निबाला खिलाए, उस लड़की ने सबके सामने हमका अनपढ़ और गवार कहा, मैं जानती हूं पुष्पा बहुत दुखी हूं, लेकिन मुझे इरा की इस बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इरा इस घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त तुम्हारी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी हुई थी, सारा दिन दुल्हन 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 करके थकती नहीं थी तुम। अब देख लिया अपनी उस दुल्हन का असली रूप। सही कह रही हो रवि, हम ही पगलैट थे जो वो झूठी लड़की पे विश्वास कर बैठे। अच्छा हुआ उसका असली रूप सामने आते ही हमने उसका घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है पुष्पा, क्योंकि हमारा ग्लू बेटा अब भी इरा के प्यार में दीवाना बना फिर रहा है। इससे पहले कि ग्लू बेटा इरा को दोबारा इस घर में लेकर आए, मैं कहती हूं कि जल्द से जल्द ग्लू बेटे की दूसरी शादी करा दो। इरा तो ही घर में आने से रही, रही बात को लोगे तो की दूसरी शादी होकर रहेगी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है, आप या ये? अरे आपका बेटा कुछ सीधा साधा भोला भाला इंसान नहीं है, एक नंबर का लोफर है लोफर। आवाज नीचे पुष्पांडी, मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर आवाज उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये मत भूलिए कि आपको भी इस घर से धक्के मारकर निकाला जा सकता है। तुमसे दोस्ती करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तुम ना तो मेरे दोस्ती के लायक हो और ना ही मेरे प्यार के। हमका तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि इरा जी ने आज 10 लोगों के सामने हमरी इतनी बेइज्जती की। बेइज्जती केवल हमरी होती तो शायद अपमान का कड़वा घूंट पीकर अपने मन में इरा जी के लिए प्रेम को जिंदा रखते, लेकिन अम्मा की बेइज्जती का मुंह लेकर जाएंगे हम अम्मा के सामने, घिन आ रही है हमका अपने आप पर।
नफरत करते हैं मीरा जी से, नफरत करते हैं। टूटे हुए कांच के टुकड़े तो समेटना आसान है, बिखरे हुए दिल को कैसे समेटोगे? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है, आप या ये? आवाज नीचे पुष्पांडी, मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर आवाज उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये मत भूलिए कि आपको भी इस घर से धक्के मारकर निकाला जा सकता है। अगर ऐसे मूड ऑफ करके बैठना ही था तो अखिलेश भैया और पुष्पा आंटी की इतनी बेइज्जती की ही क्यों? अब बुरा लग रहा है ना तुझे? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैंने जो कुछ भी अखिलेश को कहा वो सब वो डिजर्व करता है। हरकतें देखी उसकी, मेरा बस चलता तो उसकी और इंसल्ट करती। पक्का तूने उनकी बेइज्जती की ना? उनकी बेइज्जती होने से उन्हें बचाया तो नहीं ना? कर लिया अपने मन की, खुश हो गए हो तुम? वो लड़की के लिए तुम्हारे अंधे प्यार की दुआएं देकर भी कहा करेंगे हम तो बेआबरू हो गए ना। लेकिन कौन बात नहीं बिटवा, तुम्हारी खुशी के लिए हम बेआबरू भी होने के लिए तैयार हैं। चुप! मत कहो आपका अम्मा, हम तुम्हारी अम्मा नहीं है, हम तो एक अभागन है। तुम्हारे बापू की आस में आज तक हम कच्ची नींद सोते आए हैं, और हमारा बिटुआ जिसे हम अपने जीवन का सहारा समझते थे, उसकी वजह से तो हमारी नींद ही हराम हो गई। हमारी नजरों में तुम्हारे प्यार की बहुत कीमत है बिटुआ, ये बात से समझते हैं हम। तुम प्यार में अंधे होकर नौकर बनकर तुम्हें वो लड़की के जूतों पर अपनी नाक रगड़ने के लिए भी तैयार थे, लेकिन बदले में मिला कब? तुमने प्यार के चक्कर में तो हम कहीं के नहीं रहे बिटुआ। बस करो अम्मा। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी अगर तुम अपने आंखों पर से पट्टी खोलना नहीं चाहते, उतारना नहीं चाहते हो, तो एक ठो काम करो बिटुआ, वो लड़की को भी यहाँ घर में ले आओ। मुरली मनोहर की कृपा से इतनी औकात है हमरी कि हम बनारस में अकेले सर उठा के जी सकेंगे। तुम्हारे बापू की तरह तुम्हारी भी यादों में हम बाकी की जिंदगी काट लेंगे। एक और बात, अगर हमसे कोनो भूल चूक हो गई है ना बिटुआ, तो बनारस जाने से पहले हम इरावती के पैर पकड़ के उसे माफी मांग लेंगे, फिर तुम खुशी खुशी अपना घर बसाए लेना, ठीक है? अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? हाँ। अरे तुम्हारे अंश है हम, पूरा अधिकार है तुम्हारा हम पर अम्मा, इतने भी छोटे नहीं कि हमरे प्यार के खातिर हमरी अम्मा का दामन छोड़ दे हम। ये कहा बोले जा रही थी? हाँ, तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा, कौन रहेगा तुम्हारे जीवन में, हम या वो लड़की? हम जानते हैं ये फैसला बहुत कठोर है, लेकिन कठिन नहीं है। हम तुम्हारे मुंह से ये फैसला सुनना चाहते हैं।
ना कोई धोखा होगा ना उल्टे हाथ से कसमें खाई जाएगी। आज सीधे हाथ से पूरे मन से तुमका हमें ये वचन देना होगा कि तुम इरावती को भूल जाओगी।